नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले अभी बवाल थमा नहीं है। हरियाणा में अभी भी नाराजगी का दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हरियाणा में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीटों के बंटवारों के बीच में जब पेच फंसता हुआ नजर आता है जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो गठबंधन टूट जाता है, विधानसभा भंग हो जाती है, दोबारा से सरकार का गठन होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा में कुल मिलाकर विधानसभा की सीटें 90 हैं। ऐसे में साबित करना है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो आपके पास क्या 46 विधायकों का समर्थन आपके पास है या नहीं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साबित किया गया कि वाकई फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों का बहुमत साबित करने के पास विधायकों की संख्या हमारे पास उचित है। ऐसे में देखा गया फ्लोर टेस्ट के दौरान यहां पर 48 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने जताया, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक खुद के हैं, उसमें से 7 निर्दलीय विधायक, कुल मिलाकर 48 विधायकों का समर्थन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिलता है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जेजेपी के 5 विधायक बागी हो जाते हैं और जेजेपी को समर्थन देने से इनकार कर देते हैं, खुले तौर पर नहीं, लेकिन जो एक्शन किए गए कि विधान सभा के अंदर मौजूद न रहना, जेजेपी की मीटिंग होना दिल्ली में तो वहां मौजूद न रहना, तो ये साबित करता है कि जेजेपी के 5 विधायक बागी हो गए। उसके बाद ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से अपनी सरकार बना ली हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उनकी जगह नए चेहरे की बात करें, कुरुक्षेत्र से सांसद यहाँ पर नयाब सिंह सैनी यहाँ पर बन जाते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर विधायक पद से भी इस्तीफा दे देते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सीट करनाल के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा समीकरण है, समीकरण के बीच में नाराजगी क्या है? नाराजगी है राज्य गृह मंत्री अनिल विज की। अनिल विज जो लगातार ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए हर वो काम किया है, लेकिन अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें आगे नहीं किया गया, एक नाराजगी है। अब दूसरी तरह फ्लोर टेस्ट तो साबित हुआ, लेकिन हरियाणा में अभी कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार से पहले पेच फंसता हुआ नजर आया जब अनिल विज से ये पूछा गया कि कैबिनेट में आपको मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं, आपको जगह दी जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर मीडिया के सामने सवालों से भागते हुए अनिल विज नजर आए, यानी कि साफ तौर पर अभी भी नाराजगी अनिल विज की है और ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो क्या नाराजगी के चलते जेजेपी को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे, किसी और दल का सहयोग लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अनिल विज कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, हरियाणा में एक बड़ा और भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज चेहरा है। और नाराजगी साफ तौर पर नजर आना तो उस नजर आता है कि यहाँ पर बागी हो सकते हैं अनिल विज। आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।